रिश्ता टूटना अक्सर दिल को कमज़ोर कर जाता है। कई लोग इस दौरान तनाव और आत्मविश्वास की कमी से भर जाते हैं। लेकिन छोटे पर्दे की एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने खुद को इन हालातों में भी एक मजबूत शख्सियत बनाए रखा और लोगों के सामने सकारात्मक सोच का उदाहरण रखा है। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने हाल ही में अपने दूसरे पति अभिनव कोहली के साथ बिगड़ते रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में एक इवेंट के दौरान श्वेता तिवारी ने दूसरी शादी असफल होने से जुड़ा सवाल पूछा गया। इस मौके को न गंवाते हुए उन्होंने ऐसे सभी लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया और कहा कि इस रिश्ते में खुशी नहीं थी। एक्ट्रेस ने कहा कि मैं उन लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि दोबारा भी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो सकती, क्या ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कम से कम मुझमें इतनी हिम्मत है कि दोबारा प्रॉब्लम हुई तो मैं अपने पैरों पर खड़े होकर बोल सकती हूँ। उन्होंने ट्रोलर्स के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। जो लोग कमज़ोर रिश्तों को ढो रहे होते हैं, जिनमें ना तो विश्वास होता है और ना ही भरोसा, फिर भी लोग ज़िंदगी को झेल रहे होते हैं ये सोचकर कि लोग क्या सोचेंगे। उन्होंने कहा, मैं इस वजह से चुप रहूं कि आप लोग मेरे बारे में क्या लिखेंगे और क्या सोचेंगे, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है जो मेरे बच्चों के लिए सही है, जो मेरे लिए सही है, जो मेरे घर के लिए सही है, जो मेरे तरीके के लिए सही है, मैं वही करूँ। अगर आप भी रिश्तों में तनाव और रिश्तों के टूट जाने से परेशान हैं तो नज़र में श्वेता तिवारी की लाइफस्टाइल से आप कुछ टिप्स ले सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी खुशी देखिए। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और वो काम नहीं कर रहा है, आप उससे परेशान हैं, तो उसमें बने रहने के लिए कोई वजह ना तलाशें। जो भी रिश्ता दर्द दे रहा हो वो कभी भी आपको खुशी नहीं दे पाता है। तो बच्चों या परिवार के दूसरे सदस्यों की खुशी के लिए किसी रिश्ते में ना बने रहे। श्वेता ने जब मीडिया से बात की तो साफ कहा कि जब वो खुश नहीं थी तो बच्चों को खुश कैसे रख पाती। तो सबसे पहले अपनी खुशी पर ध्यान दे। श्वेता तिवारी ने जिस तरह से मीडिया और समाज सबको करारा जवाब दिया है, उससे एक बात ये तय है कि वो सच बोलने से डरी नहीं। उन्होंने अपनी बात को लोगों के सामने रखने में झिझक महसूस नहीं की। तो जब आप अपनी बात खुलकर लोगों के सामने रखेंगे तो आप सच कहेंगे और सच कहने से डरेंगे नहीं। और सच कहने से डरना आपके मानसिक तनाव की वजह बन सकता है, इसलिए सच कहने से नहीं डरें। अपने मन को शांत रखें। ये ज़रूरी है कि आप अपना फैसला सोच समझ कर लें, क्योंकि आपके साथ और कई लोग की ज़िंदगी भी जुड़ी होती है। इस फैसले को लेने के लिए मन को शांत रखना भी काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आप शांत मन के साथ फैसला लेकर अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर सकें। वो कहते हैं ना, ब्लैक गेम भी कभी ख़त्म नहीं होता। वो कहते हैं ना कि ब्लेम गेम कभी ख़त्म नहीं होता। तो अगर आप किसी रिश्ते से, वो कहते हैं ना कि ब्लेम गेम कभी ख़त्म नहीं होता। तो अगर आप किसी रिश्ते से निकलना चाहते हैं तो आराम से निकले। कभी भी आरोप प्रत्यारोप के फेर में ना पड़े, ये आपको तनाव दे सकता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।